ऑफकोर्स मैम, आपको जितने भी लोग हैं मौजूद हैं आज के दिन, साथ ही साथ जो सिंगर्स हैं और ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी अतिथि यहाँ मौजूद हैं, सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा सच्चे दिल से। आज आपने यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया, तो ये दिन तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि आपने एक समय पर मेरे पापा को प्रोमिस किया था कि आप ऐसा ही इवेंट करवाओगे, और कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में वो आवाज़ आ रही है जो उन्होंने यहाँ डाली है कि वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे होंगे इस वक्त पे, क्योंकि जितना आपने प्रॉमिस करा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा इवेंट आज का होगा। और इसके साथ ही साथ तो आप में से काफ़ी लोगों से तो मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा हमारी संस्था के बारे में बताना भी चाहता हूँ। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग तो मेरे फादर साहब को जानते थे और शायद आश्रम में आए भी हुए हैं, लेकिन ताकि जो नहीं आए और आप सब लोग जिन्होंने इतना सपोर्ट करा है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सबको भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको थोड़ा सा हमारे आश्रम के बारे में बता देता हूँ, और अगर किसी के उसके बाद क्वेश्चन भी हों तो मैं वो भी आंसर करने को आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो इस वक्त पर जो हमारी संस्था है THCVS फाउंडेशन, उसके दो आश्रम हैं, एक आश्रम बंदवाड़ी गांव में और एक मंडावर गांव में, दोनों ही गुड़गांव में स्थित हैं, और दोनों में कुल मिलाकर इस समय पे 1000 लोग रह रहे हैं परमानेंटली। और इसमें जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो अबैंडन्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, ये वो बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनको उनके खुद के बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर रहने जाना होता है, या फिर जो अपने बूढ़े माता पिता को लाइबिलिटी की नज़र से देखते हैं, बर्डन की तरह देखते हैं, तो अपने माता पिता को कमरे में लॉक करके भाग जाते हैं। कुछ ही हफ्तों पहले मैं शेयर कर रहा था अभी सर से कि एक रेस्क्यू किया था मैंने नोएडा से 3-4 हफ्ते पहले, जहाँ पे एक बच्चे ने अपनी मदर को कमरे में लॉक करा हुआ था और कुत्ते की लीश पर बांधा हुआ था 4 महीने तक। तो इस तरीके की क्रूरिटी देखने को मिलती है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने बूढ़े माता पिता को सड़क पर छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तो करवाते हैं लेकिन बीच इलाज में दौड़ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आश्रम पे रात के 3 बजे अपने माता पिता को बांध के भाग जाते हैं। सुबह 5 बजे मैं बाहर निकलता हूँ तो बूढ़े लोग ऐसे सर पकड़ के बैठे होते हैं, लेकिन इन सभी लोगों को हम अपने आश्रम में घर देने की कोशिश करते हैं। उसमें से जो मैक्सिमम लोग होते हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या वो यंग लोग होते हैं, उनमें से 80% लोग जो हमारे पास रह रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। वो तो कोने में बैठे रहते हैं और खुद से ही बातें करते हैं, अपना नाम भी नहीं बता पाते, उन्हें पता ही नहीं होता वो लोग कहाँ पर रुके हैं। जब वो सड़क से हम रेस्क्यू करते हैं तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के हाथ पैर कटे होते हैं, सर फटे होते हैं, उसमें कीड़े लगे होते हैं, खून जमा हुआ होता है, मैक्सिमम की तो पूरी चमड़ी उखड़ी हुई होती है, उसमें कोयला जमा हुआ होता है क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका होता है। ये लोग तो वो लोग हैं जो सड़क पे बेचारे भीख भी नहीं मांग सकते, ये लोग फुटपाथ पे बैठते हैं तो पूरी दुनिया साइड से निकल के जाती है लेकिन कोई नहीं पूछता, कोई पूछ लेता तो एक टाइम की रोटी मिल जाती लेकिन नहीं मिली ना। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग जब सड़कों पर पानी भी मांगते हैं तो लोग मुँह पर थूक देते हैं, ये लोग फुटपाथ पर सोते हैं तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, सोसाइटी के बाहर सोते हैं तो गार्ड डंडे मारते हैं, टूरिस्ट आते हैं हिंदुस्तान तो कहते हैं अरे देखो कितनी गंदगी है हिंदुस्तान में, हर जगह दिखा दी। आप सोचो हमें तो 2 घंटे लेट कभी कभी खाना मिलता है तो बीपी अप एंड डाउन हो जाता है, शुगर लेवल अप डाउन हो जाता है, इरीटेट हो जाते हैं, बातचीत करने में अच्छा नहीं लगता, लोगों को गालियाँ देने लग जाते हैं। सोचो ये लोग तो खाना मांग भी नहीं सकते, इनको 4 दिन तक एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता, और वैसे ही मानसिक रूप से बीमार होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि बाजुएं इतनी पतली होती हैं। तो अगर थोड़े से भी हाइपर हो जाते हैं तो लोग ये नहीं सोचते कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, शायद मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए, सोचते हैं नशेली है मान लो इसको पीट देते हैं ऊपर से नीचे तक। तो ये लोग फिर सड़क पर भी नहीं रह पाते, फिर कहाँ जाते हैं, फिर इस इंसान जगह ढूंढते हैं। पर हमारे शहरों में कहाँ पर ऐसे इंसान जगह है, सिर्फ कुछ ही तो है।
जैसे कि रेलवे ट्रैक्स या कूड़ेदान। मैक्सिमम लोग हमें कूड़ेदान के पास मिलते हैं कूड़ा खाते हुए, क्योंकि कूड़ेदान तक तो पहुंच गए लेकिन हाथ पैर कटे हुए हैं, बाजू इतनी पतली है, बात भी नहीं कर सकते, कोई एनर्जी नहीं है, तो आप इस सड़क तक भी नहीं जा सकते खाना मांगने। आप सोचो, 2 महीने पहले मैंने एक इंसान को कूड़ेदान से रेस्क्यू किया था, और जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो कूड़े के ढेर के सामने खड़ा होकर जेब में कूड़ा डाल रहा है। 5 मिनट उससे बात भी करी, फिर जब मैंने पूछा कि आप अपनी जेब में कूड़ा क्यों डाल रहे थे, तो पता क्या कहता, कि अगर मैं यहाँ से दूर चले जाता और भूख लगती तो कुछ खाने को तो होना चाहिए ना। इस स्थिति में लोग हमारे आश्रम में लाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम उनकी सेवा करने की पूरी कोशिश करते हैं जितना भगवान जी हमसे करवा सकते हैं। हम उनके मलमूत्र साफ करते हैं, उनको डाइपर्स पहनाते हैं, उनके कीड़े निकालते हैं, घाव साफ करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको 3 बारी का खाना देते हैं, उनको बिस्तर देते हैं, रजाई देते हैं, और फिर उसके बाद वो ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भी जो ठीक होने का असली कारण है वो पता क्या है? और सोचो, ये जवाब तो एक से एक साइकोलॉजिस्ट, एक से एक डॉक्टर साहब और एक से एक सोशियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली में ऐसे लोगों को ठीक कैसे करते हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार देखा है, जिन्होंने इतना ज़्यादा ट्रॉमा देखा है, जिनके परिवार वाले उन्हें छोड़ के चले गए और ऐसी स्थिति में छोड़ के चले गए कि उससे तो उन्होंने मरना बेहतर समझा।